हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7th अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स की डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है और ऐसे में ये स्वाभाविक है कि जो तैयारी करता है यानी कि आप सब कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, हमने अभी पूरी तरीके से कवर नहीं किया, टेस्ट पेपर पेंडिंग है या टेस्ट पेपर हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ख्याल जरूर आते होंगे और थोड़ा सा चिंता भी होती होगी। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये यूपीएससी की जर्नी है और इस जर्नी में आप जितने अचिंतित रहेंगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा और उतना ही आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंडक्ट कर सकोगे। और साथ ही साथ एक सलाह ये भी देना चाहेंगे कि आप सीसेट को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आपको सी सेट में अच्छे नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सी सेट आपकी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ अभी से ही शुरू कर दें। उस पर डे 10 क्वेश्चंस या फिर 15 क्वेश्चंस जो भी बनते हैं उसको बनाएं और उसे सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि जब आप रियल एग्जाम में पेपर दोगे तो आपकी वो आदत बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता दिखेगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन को या फिर सी सेट को अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप शुरू से ही उस पर ध्यान दें। कोई चीज़ आपकी वीक है तो उसको आप एग्ज़ाम के नज़दीक समय में नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, उसे आप प्रिपेयर पहले से ही करना पड़ेगा, सो दैट आने वाले समय में हम मजबूत बनकर निकले कि अगर कोई चैलेंज इस प्रकार की आती है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस सलाह के साथ हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं एंड लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक। It is India pitches for better BRICS coordination on IMF quota. IMF के बारे में आप जानते ही हो, it is International Monetary Fund and ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो IMF quota या फिर SDR जो rights हैं उनके लिए famous है। हम जानेंगे SDR right क्या होती है, लेकिन सबसे पहले हम context जानते हैं। तो basically IMF resolution के अनुसार 16th General Review quotas के ऊपर कंक्लूड हुई है। कहा जा रहा है कि बाय दिसंबर 15, 2023 तक कंक्लूड हो जाएंगी और इसकी लास्ट रिव्यू 5, 2020 में की गई थी और इसमें जो कोटा है मेंबर नेशंस की उसको अनचेंज रखा गया था। बात करते हैं आईएमएफ कोटास की, तो ये आईएमएफ आपको ही पता है कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि एसडीआर जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो मेंबर को एलोकेट की जाती है बेस्ड ऑन दैट राइट्स। वोटिंग पावर क्या होंगी, कितना वो फाइनेंस ले सकते हैं आईएमएफ से या फिर कितना उन्हें कंट्रीब्यूट करना है आईएमएफ को, ये सब डिसाइड की जाती है। सो अगर देखा जाए तो कोटास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आईएमएफ फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बोला कि डिपेंडिंग ऑन योर कोटा यू विल डिसाइड व्हाट योर वोटिंग पावर विल बी, इसीलिए हम कह सकते हैं गवर्नेंस के मामले में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा जब हम आईएमएफ संस्था की बात करते हैं तो। एंड कोटाज को एसडीआर में डिनोमिनेट किया जाता है और एसडीआर की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट कह सकते हो जो क्रिएट की जाती है आईएमएफ के द्वारा टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, यानी कि किसी देश को किसी मेंबर नेशन को जरूरत पड़ती है अपने करेंसी की तो आईएमएफ से बेसिकली मांग सकता है, लोन के रूप में उनको प्राप्त हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब आपको लोन के रूप में प्राप्त करना है तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा यानी कि आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो डिपेंडिंग ऑन योर एसडीआर कोटा आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे वो सब डिसाइड होती है। हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है, हमें आईएमएफ का सदस्य नहीं बनना है, हमें तो यूपीएससी निकालनी है, तो बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ एसडीआर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है और आईएमएफ से एसोसिएटेड है और बेसिकली ये ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सप्लीमेंट करता है यानी कि जरूरत के समय मेंबर कंट्रीज को प्रदान करता है सो दैट वो अपनी जरूरतों को पूर्ति कर सके। अगर किसी प्रकार का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाए या फिर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए ये संस्था बनाई भी गई थी, ये आपको पता होगा। और याद रखना है SDR is not a currency, SDR IMF की कोई करेंसी नहीं है कि ये हम IMF के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब हमको 5 करोड़ SDR दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। SDR कोटा है बेसिकली और वो डिसाइड करता है कि कोई मेंबर नेशन कितना फाइनेंस दे सकता है IMF से या फिर कितना वोटिंग पावर होगा IMF में उनका या फिर
कितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वो आईएमएफ को बाउंड है पे करने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए, और आईएमएफ की अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो जनरल रिव्यू करती है कोटाज की रेगुलर इंटरवल्स पर। और अभी हमने जो बात किया कि लास्ट रिव्यू जो फेब 2020 में की गई थी, इसमें कोटाज में कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए, और एनी चेंज इन कोटाज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एन 85% मेजोरिटी ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इस लाइन को। और कोई भी मेंबर की जो कोटा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट मेंबर, ये याद रखना है आपको। और क्या बेनिफिट होंगे अगर कोटाज के एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं, यानी कि किसी देश के कोटाज को बढ़ा दिए जाते हैं, तो बेनिफिट बहुत सारे हैं। हम देखेंगे क्या क्या बेनिफिट है। पहली बात तो यही याद रखना है कि अगर कोटा शेयर्स में एडजस्टमेंट की जाती है तो इससे वोटिंग राइट जो इमर्जिंग कंट्रीज के हेडर से कि इंडिया की ही बात करें तो अगर कोटाज में इंक्रीमेंट होता है तो वोटिंग राइट्स की जो भारत में अधिकार है आईएमएफ के ऊपर वो बढ़ जाएगी इन लाइन विद देयर रिलेटिव पोजीशंस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और हम देखेंगे अन्य बेनिफिट्स क्या है उसे भी हम देखेंगे। इट कुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज ए होल वाइल प्रोटेक्टिंग द वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पुअरेस्ट, क्योंकि इनको भी कोटा एलोकेटेड है। हर एक मेंबर जो आईएमएफ का सदस्य है उसको कोटा एलोकेटेड है, एंड तो हम कह सकते हैं कि उनके भी जरूरतों का या फिर उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो कोटाज डिटरमाइन करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ए मेंबर इज ऑब्लाइज टू प्रोवाइड टू द आईएमएफ, ये तो मैंने आपको बताया ही। एज वेल एज वोटिंग पावर की बात करें तो कोटाज ही डिटरमिनेंट है वोटिंग पावर को लेकर, यानी कि कोई भी इश्यूज अगर आईएमएफ में आती है तो उस इश्यूज पर किसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि किसको कितना कोटा एलोकेट है। देख सकते हो वोट कंप्राइज वन वोट पर एसडीआर 1 लाख ऑफ कोटाज प्लस बेसिक वोट्स, एंड यहाँ आप देखो एसेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि कोटाज डिटरमाइन करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग ए मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आईएमएफ अंडर द नॉर्मल एसेस, एंड कोटाज डिटरमाइन ए मेंबर्स शेयर इन ए जनरल एलोकेशन ऑफ एसडीआर। तो देख सकते हो कोटाज क्या क्या रोल प्ले कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो आपका कोटा है आईएमएफ का वो आईएमएफ के फाइनेंशियल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखने हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आपको आईएमएफ के बारे में 5-6 पॉइंट पता होने चाहिए, और खासकर ये पता होने चाहिए कि एसडीआर इज एसोसिएटेड विद आईएमएफ और एसडीआर इज नॉट ए करेंसी, ये कान खोलकर आपको याद होने चाहिए। और क्या बेनिफिट्स होते हैं ये थोड़े बहुत पता होने चाहिए, उसके ज्यादा आपको बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। और आप ये याद रखना, हाँ एसडीआर के बारे में जरूर याद रखना कि इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, यानी कि जरूरत के समय अगर किसी मेंबर को जरूरत पड़ी फाइनेंस की तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो डिपेंड करते हैं एसडीआर कोटा के आधार पर। तो इतना जानकारी बेसिक आपको होगा। और जैसे कि ब्रिक्स के बारे में न्यूज आया ही है तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपको पता होने चाहिए, और यहाँ पर हम आपको बता दें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जो हेडक्वार्टर है वो बताइए, और ब्रिक्स का अपना एक डेवलपमेंट बैंक है आप हमें वो बताइए कौन सा है, और क्या भारत उसका सदस्य है, क्या यूएस सदस्य है, ये सब कुछ हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, सेंटर प्रोमुलगेट्स ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। तो बेसिकली ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है, और ऑर्डिनेंस आपको भी पता है प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमुलगेट की जाती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो, और अगर पार्लियामेंट सेशन में होती है तो उस ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट नहीं किया जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड हो जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। सो जो प्रपोज्ड चेंज की गई है वो बेस्ड है ऑन द डायरेक्शन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द लास्ट ईयर इन द मद्रास बार एसोसिएशन केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रिब्यूनल्स है शुड बी मैंड बाय पर्सन हु आर सुटेबल और क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हो टू डिस्चार्ज द जुडिशियल पावर, यानी कि ऐसे ही किसी को आप चिपका ना दे, उसके लिए ये जरूरी हो कि वो सुटेबल पर्सन हो, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो टू डिस्चार्ज द जुडिशियल पावर्स, या फिर हुज इंडिपेंडेंस इज नॉट सस्पेक्ट, कि शक ना की जा सके उनके स्वतंत्रता पर। और ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, और इसे संविधान के
323A एंड 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और आप हमें बताइए कि क्या ट्रिब्यूनल्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है? तो नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। ट्रिब्यूनल को पार्लियामेंट तो क्रिएट कर ही सकती है, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना, आर्टिकल 323A के तहत जो सब्जेक्ट मैटर पर ट्रिब्यूनल्स क्रिएट किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, और आर्टिकल 323B के तहत जिस सब्जेक्ट मैटर पर ट्रिब्यूनल क्रिएट किए जाएंगे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट कर सकती है ना। तो ये याद रखना है, ये कन्फ्यूजन व्यक्ति में रहता है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर सकती है, वो गलत है। पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकती है, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट मैटर्स अलग अलग हो सकते हैं। सो सब्सिक्वेंटली ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2021, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, पास नहीं हो सका। एंड वी हैव द फाइनेंस एक्ट 2017, दिस एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो नोटिफाई कर सकती हैं रूल्स को ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर सर्विस एंड कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सेलेक्शन कमिटीज फॉर 19 ट्रिब्यूनल्स, है ना। देख सकते हो, जैसे आपका कस्टम्स रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स हो गए, एक्साइज रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो उनके मेंबर्स को, चेयरपर्सन्स को, उनका टर्म्स क्या होगा, कंडीशंस क्या होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया था एज पर द फाइनेंस एक्ट 2017। और इस एक्ट ने बेसिकली इंपावर कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई कर सकते हैं रूल्स को ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। एंड जो बिल है अमेंड करता है 2017 एक्ट टू इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सेलेक्शन कमिटी। तो ये बिल जो है बेसिकली 2017 फाइनेंस एक्ट को ही अमेंड करता है, जिसके तहत जो आपका सर्च कम सेलेक्शन कमिटी, जिसमें मेंबर्स के क्या कंपोजिशन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सबको अमेंड करता है, एज वेल एज टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स इन द एक्ट इटसेल्फ, है ना। एंड हेंस कह सकते हैं सेंट्रल हैज इंट्रोड्यूस द ऑर्डिनेंस इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे याद रखने हैं आर्टिकल 1, 2, 3, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1, 2, 3 मतलब ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास होता है, 1, 2, 3 गो, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एंड की फीचर्स अगर देखें इस ऑर्डिनेंस की, तो आप देख लो, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल ये अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, और इस सर्च कम सिलेक्शन कमिटी में हेड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो नॉमिनेट किए जाएंगे CJI के द्वारा। तो यही तो अमेंड की गई है बेसिकली ऑर्डिनेंस लाकर। एंड दिस ऑर्डिनेंस नाउ अमेंड्स दिस टर्म टू स्पेसिफाई दैट चेयरपर्सन ऑफ अ ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 4 years या फिर टिल ही रिमेन्स द एज ऑफ 70 years, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो क्या अमेंड किया गया है टर्म के लेवल पर, तो 4 year का टर्म हो सकता है या फिर 70 years ऑफ एज। एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 4 years या फिर टिल ही अटेन द एज ऑफ 67 years, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अन्य मेंबर्स का जो टर्म होगा 4 या फिर 67। अब एक बात आप यहाँ पे गौर करो, मेंबर्स के टर्म की अगर हम बात करें तो एज 67 रखा गया है और जो आपका चेयरपर्सन है उसका एज 70 रखा गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो मेंबर्स होंगे भविष्य में चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको कम रखा जाता है, सो दैट ये जो एक्सपीरियंस बनते हैं इनको चेयरमैन के पद पर बिठाया जा सके। इसलिए जनरली वी आर नॉट सेइंग कि परमानेंटली, जनरली ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनके एज को कम रखा जाता है, सो दैट भविष्य में वो चेयरपर्सन या फिर हायर पोस्ट के लिए इनको नियुक्त किया जा सके। And it states that a person who has not completed the age of 50 years shall not be eligible for appointment of as a chairperson or a member, है ना। तो ये भी बोलता है कि अगर आपने 50 years का age complete नहीं किया है तो आप eligible नहीं होगे for the appointment as a chairperson or a member, ये अच्छे से याद रखना है। वैसे ऑर्डिनेंस को जब तक एक्ट में ना लाया जाए UPSC जनरली से अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस को तो कभी भी बदला जा सकता है। सो ये थी हमारी सेकेंड टॉपिक पर डिस्कशन, और इसमें आपको याद जरूर रखना है, पहली बात तो यही कि ट्रिब्यूनल को स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट दोनों क्रिएट कर सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका अमेंडमेंट किया गया है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021, इसमें क्या अमेंडमेंट है, की फीचर्स याद रखना है, चेयरपर्सन कौन होगा और सर्च सेलेक्शन कमिटी में कौन चेयरपर्सन होंगे और टर्म क्या होगा, ये जरूर याद रखना है।
और ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप गलत कर दोगे, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जो मैक्सिमम जो आपके क्वालिफिकेशन होते हैं वो एज पर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकार के प्रोविजन नहीं दिए जाते हैं कि हु आर नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड नॉट बी एलिजिबल। ऐसे प्रोविजन आपको अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, रिलीज कर दी गई है IMF के द्वारा। और अभी ही हमने IMF के बारे में जाना, और अभी ही एक और न्यूज IMF से रिलेटेड आ गई है, और हमें इनके बारे में जानना होगा कि क्या बातें कही गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है कि IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, एंड की हाईलाइट की बात करें तो ग्रोथ प्रोजेक्शन में क्या बातें कही गई है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो आफ्टर एन एस्टिमेटेड कंट्रेक्शन ऑफ 8% इन द फिजिकल ईयर जो March 31 को कंप्लीट हो गया, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 12.5% ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो आप देख सकते हो इस बार के IMF के प्रोडिक्शन में या प्रोजेक्शन में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छी बात कही गई है, और 12.5% ग्रोथ होने के अनुमान बताए जा रहे हैं, सेटलिंग डाउन टू 6.9% ग्रोथ ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 या 2023। तो 2022-2023 के लिए 6.9% बताएं, लेकिन करेंट ईयर में बोला जा रहा है 12.5%, लेकिन ये भी सियोरिटी नहीं है क्योंकि फिर से पैंडमिक की स्थिति आ रही है, फिर से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और ग्लोबल लेवल पर क्या बातें कही गई है, तो आफ्टर एन एस्टिमेटेड कंट्रैक्शन ऑफ -3.3% इन 2020 जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्रो करेंगे वो भी 6% में इन 2021, मॉडरेटिंग टू 4.4% इन 2022। तो ये दो बातें की गई है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया के रेस्पेक्ट में, और डाइवर्जेंट इम्पैक्ट के बारे में भी कुछ बताया गया है। आउटपुट लॉसेस हैव बीन पार्टिकुलरली लार्ज फॉर कंट्री दैट रिलाय ऑन टूरिज्म एंड कमोडिटी एक्सपोर्ट। तो ये बोली गई है कि उन देशों का नुकसान या फिर आउटपुट ज़्यादा हुआ है जो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, यानी कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नेशंस थे उनको ज़्यादा प्रभावित किया 2020 ने, एंड जो कमोडिटी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, एंड फॉर दोज विथ लिमिटेड पॉलिसी स्पेस टू रिस्पॉन्ड, एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी ज़्यादा चोट इस साल ने पहुँचाई है, यानी कि ईयर 2020 ने पहुँचाई है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू सफर मोर सिग्निफिकेंट टू मीडियम टर्म लॉसेज, एंड क्लोज टू 95 मिलियन मोर पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव फॉलन बिलो द थ्रेशहोल्ड ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2022। ये डाटा आपको मीन्स के लिए काम देगा, है ना, कि क्या इम्पैक्ट COVID-19 का हुआ, तो आप कहीं भी यहाँ गुजर सकते हो, इस लाइन को डाल सकते हो। देख सकते हैं इस पर IMF prediction, close to 95 million people are estimated to have fallen below the threshold of extreme poverty in 2020. However, COVID-19 recession is likely to leave a smaller scars than 2008 global financial crisis. तो ये बोल रहा है कि COVID-19 के कारण जो recession economy में देखने को मिली है वो उतना ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाएंगे जो आपको 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखने को मिली थी। एंड अगर हम पॉलिसी प्रायोरिटीज़ की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो क्या बोली गई है, कि जो देश हैं उनको अपने पॉलिसी मेजर्स को स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे टू ओवरकम द पेंडेमिक एंड स्ट्रेंथन द रिकवरी एज फास्ट एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमी, और पॉलिसी शुड बी फोकस्ड फर्स्ट ऑन escaping the crisis, यानी कि सबसे पहली बात बोल रही है कि आपको इस प्रकार की पॉलिसी लानी जानी चाहिए जो इस क्राइसिस से दूर करे, एज वेल एज प्रायोरिटाइज द हेल्थ केयर स्पेंडिंग, प्रोवाइडिंग वेल टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट, मेंटेनिंग एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी वाइल मॉनिटरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। याद रखना है क्या बोल रहा है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करो, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करो इकोनॉमी में, यही तो होता है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, और यही आपका IMF कह रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन इज वाइटल, ये भी बात कही गई है, ऑन द हेल्थ केयर फ्रंट दिस मीन्स इंश्योरिंग एडिक्वेट वर्ल्ड वाइड वैक्सीन प्रोडक्शन एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन एट अफोर्डेबल प्राइसेस, क्योंकि आपको भी पता है जिस रेट से वैक्सीन बन रहा है और जिस रेट से लोगों तक पहुंच रहा है, ऐसे में काफ़ी डिले हो जाएगा इस पैंडेमिक से ओवरकम होने में। तो इसलिए ये बोला गया है कि ग्लोबल फ्रंट पर वी हैव टू कोऑपरेट इन मास वैक्सीन प्रोडक्शन एंड यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, इंक्लूडिंग थ्रू सफिशियंट फंडिंग फॉर कोवैक्स फैसिलिटी एंड इंश्योर दैट फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट इकोनॉमीज हैव एडिक्वेट एक्सेस टू इंटरनेशनल लिक्विडिटी, सो दैट अगर उनको लिक्विडिटी क्राइसिस आए, उनको जरूरत पड़े
तो वो एक्वायर कर सके, अवेल कर सके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। सो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए फ्रेंड्स आपको बस यही याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा रिलीज की जाती है और IMF के 5-6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एज वेल एज कुछ पैरामीटर, यानी कि जिस पैरामीटर के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है उस पैरामीटर्स के 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए, और ये इसमें नहीं दी गई है लेकिन आपको रिविजन नोट्स में ज़रूर पता होंगे। और याद रखना है फ्रेंड, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये 2-3 संस्था है जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालती हैं और उसके आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए। सारे रिपोर्ट के पैरामीटर्स नेसेसरी नहीं है, जैसे WEF उसके आपको पता नहीं भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, एज वेल एज 2-3 जो आपकी संस्था है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो उनके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया रशिया डिस्कसेस वेज टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक टाइज। तो क्या की हाईलाइट है, तो रशिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहा है विच विल प्रोड्यूस द रशियन मिलिट्री हार्डवेयर अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड इनहांसिंग द कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एज वेल एज जो चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इन सबको बेसिकली और ज्यादा फास्ट ट्रैक करने की बात कही गई है ना। तो इस मीट में आप देख सकते हैं जो की हाईलाइट है वो निकल कर नहीं आए हैं। एंड टॉक्स हुए हैं ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। और अगर हम बात करें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, तो ये जो आपके यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन मेंबर कंट्रीज है इसमें आपके रशिया है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जब न्यूज में आई है तो आपको पता होने चाहिए ना। एंड इंडिया ने रिट्रिएट किया है कि रशिया की पार्टनर है भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में, और दोनों साइड ने डिस्कस किया है वैक्सीन कोऑपरेशन को लेकर एंड हेल्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ रशियन वैक्सीन इन इंडिया इज अंडर डिस्कशन एंड रशिया अंडरलाइन द नीड फॉर इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू अफगान क्राइसिस विच हैज बीन इंडिया स्टैंड एंड कुछ रिसेंट कंसर्न्स जो इन इंडिया रशिया रिलेशन, जाहिर सी बात है क्योंकि आप देख सकते हो $5.2 बिलियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो डील है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इसमें चैलेंजेस आए थी क्योंकि आपको ही पता है अमेरिका का जो काटसा एक्ट है वो कहीं ना कहीं अलाउ नहीं करती है कि रशिया से इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर किए जाए। एंड देख सकते हो अगर हम काटसा की बात करें तो ये सेंक्शन लगाते हैं ऑन दोज कंट्री जो आर्मेंट्स खरीदेंगी फ्रॉम अमेरिका एडवर्सरी है ना, जैसे रशिया हो गई तो रशिया अमेरिका की एडवर्सरीज में से एक गिना जाता है, इसलिए काटसा एक्ट जो है वो क्या बोलती है कि अगर आप इनसे हथियार खरीदोगे तो हम आप पर सेंक्शन लगाएंगे। एंड रशिया कंटिन्यूज टू सी इंडो पैसिफिक एज एम्ड टू कंटेनिंग चाइना एंड रिफ्यूजेज टू इवन यूज द टर्म ऑफिशियली एंड रशिया व्यूज क्वाड एज एशियन नाटो। तो देख सकते हैं रशिया क्वाड को एशियन नाटो के रूप में देखता है, चाइना तो पहले से ही देखता है, रशिया भी देखता है। और आप हमें बताइए क्वाड के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो चार देश का नाम आप बताइए जो क्वाड, और क्वाड बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है। एंड जो नेक्स्ट हाईलाइट है देख सकते हो रशिया इज इंक्रीजिंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, ये भी हमने देखे हैं एंड ये भी कुछ कंसर्न्स है। तो वैसे एज सच ये हाईलाइट है तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं वो आप हैंडल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रेस्ड टू वन ऑफ द हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स। तो आपको पता है स्टार्स जब डेथ करती हैं तो एक्सप्लोड करती है और उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही कहते हैं ना, तो उसी को ट्रेस किया गया है रिसेंटली। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैव ट्रैक्ड ए रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड ट्रेस्ड इट टू द वन ऑफ द हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स कॉल्ड वॉल्फ रेड स्टार्स है ना। तो नाम क्या है उस स्टार का, वॉल्फ रेड स्टार्स, और उसी में सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रेक किया गया है। और जो सुपरनोवा है यानी कि जो एक्सप्लोजन है उसको नाम दिया गया है 2015 DJ, और ये आपका कौन से गैलेक्सी में है, NGC 7371। तो ये याद रखना अगर पूछ लिया जाए रिसेंटली SN2015 DJ वाज न्यूज क्या है, तो इट इज एन सुपरनोवा इवेंट, या फिर पूछ लेगा NGC 7371 और रिसेंटली सीन न्यूज क्या है, तो ये गैलेक्सी है। और क्या अन्य बातें हमें जाननी है, तो जो मैसिव स्टार्स यानी कि बड़े मास वाले स्टार्स विच आर एट एडवांस स्टेज ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन एंड लूजिंग मास एट वेरी हाई रेट, याद रखना जो
स्टार जितना मैसिव होगा उतना वो ज्यादा जल्दी डिस्ट्रक्ट भी होगा, है ना। एंड देख सकते हो दे लूजेस मास एट वेरी हाई रेट एंड नोन एज डब्ल्यू आर स्टार एंड दे हैव मासेस टिपिकली ग्रेटर देन 25 टाइम्स देन दैट ऑफ सन एंड हैज ब्राइट लाइफ टाइम्स एंड देयर फॉर क्वाइट रेयर ऑब्जेक्ट। इतने डिटेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछते लेकिन हम लोग कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब ऐसे इन्फॉर्मेशन पढ़ना तो कुछ ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना है, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन ये क्या होता है ना। और ये आप देख लो दे हैव ल्यूमिनिसिटीज ऑफ अप टू मिलियन टाइम्स दैट ऑफ सन एंड सुपरनोवा की जो हम बात की ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज आर हाईली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन इन द यूनिवर्स रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड देख सकते हो सुपरनोवा इज कॉज्ड बाय मर्जिंग ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, यानी कि दो स्टार जो ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे के नजदीक वो मर्ज जब करते हैं तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है और एट द एंड ऑफ सिंगल स्टार्स लाइफ टाइम एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ दिस ओपन है ना। अगर इन सब एक्सप्लोजन का मॉनिटरिंग किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये हमें समझाएंगी द नेचर ऑफ द एक्सप्लोडिंग स्टार एज वेल एक्सप्लोजन प्रॉपर्टी एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इनमोरेट द नंबर ऑफ मैसिव स्टार। नाउ वी कम टू द शॉर्टर न्यूज इट इज एन वी रमन्ना एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये न्यूज आपने भी सुनी होगी एन वी रमन्ना इन्हों को 48th CJI बनाया गया है भारत का। एंड जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है या फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये कान खोल कर याद रखना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 उस पावर के इस्तेमाल कर श्री जस्टिस एन वी रमन्ना को उन्होंने अपॉइंट किया है। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2 तो इट स्टेट्स कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टिंग विद सच ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट। तो अगर हाई कोर्ट के जजेज को नियुक्त करना है तो हाई कोर्ट जो पार्टिकुलर स्टेट्स में होंगे तो उनको भी कंसल्ट किए जाएंगे। ये बातें आपको आर्टिकल 124 सब क्लास 2 में बताई गई है। हमें याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट ही है जो हाई कोर्ट के जजेज एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के जजेज इनको नियुक्त करती है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जब हम बात करते हैं रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की इट ऑपरेट द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। याद रखना है ना दिस ऑपरेट द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एज पर द ट्रेड्स गाइडलाइन इश्यूड बाय द RBI। एंड अगर हम बात करें RXIL की तो ये क्या है, ये फर्स्ट एंटिटी है टू रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम RBI ऑन टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट TREDS एक्सचेंज। तो देख सकते हो TREDS एक्सचेंज पहली बार भारत में लॉन्च हो रही है और इसको ऑपरेट करेगा RXIL जिसको अप्रूवल RBI की तरफ से मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें क्या है ये ट्रेड्स एक्सचेंज, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग को फैसिलिटेट किए जाएंगे ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। एंड RXIL इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में एज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये याद रखना है RXIL 2016 में एस्टेब्लिश हुआ विद द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन SIDBI एंड NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अच्छे से याद होना चाहिए। और ट्रेड्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन टेलीकोज गेट अप्रूवल टू शेयर एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या बातें हैं देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन्होंने यूनिफाइड एसएस सर्विस लाइसेंस को अमेंड किया है जिसके तहत अब शेयरिंग की जा सकेगी द बैकहॉल थ्रू माइक्रोवेव विच इज यूज टू कनेक्ट द टावर्स एंड इट हैज अलाउड शेयरिंग ऑफ वाईफाई इक्विपमेंट विच इंक्लूड राउटर्स एंड एसएस पॉइंट एमंग द टेलीकॉम प्लेयर। एंड जब हम बात करते हैं बैकहॉल, तो बैकहॉल इज द नेटवर्क दैट कनेक्ट सेल साइट्स टू सेंट्रल एक्सचेंज। एंड सेल साइट की बात करें तो इट रिफर्स टू द एंटीना इक्विपमेंट एंड ग्राउंड इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल सेल फोन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में किया जाता है फ्रॉम द मोबाइल फोन बैक टू द रिसीवर। तो सेल साइट देख सकते हैं ना जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे टावर्स हो गए, टावर्स में लगे इक्विपमेंट हो गए, मोबाइल फोन में जो सिग्नल्स सेंड करने वाले इक्विपमेंट हो गए, तो वो सब होते हैं इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट। तो ये जो आपका डिसीजन रिव्यू सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस है फॉर असिस्टिंग द मैच ऑफिशियल विथ देयर डिसीजन मेकिंग।
एंड जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है डीएनएस में वो टेलीविजन रिप्लेस होती है बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल पाथ ऑफ द बॉल को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन्स, सेस्मिक मीटर, इंफ्रारेड इमेजिंग टू डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंजेस एज द बॉल हिट्स द पैड और द बैट। एंड इसके तहत ऑन फील्ड अंपायर कंसल्ट कर सकती है विद द थर्ड अंपायर, जो अंपायर रिव्यू करता है। एंड प्लेयर्स मे रिक्वेस्ट दैट द थर्ड अंपायर कंसिडर डिसीजन ऑफ द ऑन फील्ड अंपायर से प्लेयर रिव्यू। एंड रिसेंटली रूल्स अंडर डीआरएस उनको अपडेट की गई है बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एंड नाउ वी हैव द लास्ट वन, रोबोट सोफिया। इसके बारे में तो आपने सुना भी था, सोफिया सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसे डेवलप किया गया था हांगकांग बेस्ड हैंडसम रोबोटिक्स के द्वारा एंड एक्टिवेटेड इन फेब 2016। और 2017 में सोशल रोबोट सोफिया उसको सिटीजनशिप मिल चुका है सऊदी अरेबिया का, द फर्स्ट रोबोट टू बी गिवन द लीगल पर्सन हुड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड शी द फर्स्ट रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी याद रखना है कि रोबोट सोफिया इज द फर्स्ट रोबोट इन्वेंशन एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड सोफिया इज अ फ्रेमवर्क फॉर कटिंग एज रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल रिसर्च, पार्टिकुलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। सो ये थी आज की न्यूज़ फ्रेंड्स, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।